गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज पॉलिटेक्निक का क्लास लेने जा रहा हूं और इसके अंतर्गत जो है ज्योमेट्री शुरू कर रहा हूं, जिसे आप लोग शुरू से अंत तक देखें, वीडियो में बना रहें और ज्योमेट्री की बारीकियों को जो है से समझे। और सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें। तो देखिए ज्योमेट्री के जो है, देखिए ज्योमेट्री, तो सबसे पहले जो है ऐसे हम यह बताना चाह रहे हैं कि ज्योमेट्री का फादर जो है, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको कहा जाता है, तो यूक्लिड को जो है से फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, ज्यामिति का पिता, ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब हो गया ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का पिता, ज्यामिति का पिता किसको कहा जाता है, तो यूक्लिड को कहा जाता है, यूक्लिड नाम था, यूक्लिड कहाँ की यह व्यक्ति था, तो यूनान का ही आदमी था, यूनान का आदमी था, ग्रीक का, ग्रीक को यूनान कहा जाता है। तो यह जो है ज्योमेट्री का पिता किसको कहा जाता है, तो इसको यूक्लिड को कहा जाता है, जो यूनान का था। तो देखिए ज्योमेट्री के अंतर्गत जो है, ज्योमेट्री तो बहुत दिन से आप पढ़ रहे होंगे, जिसमें बिंदु रेखा क्या क्या बहुत सा चीज पढ़ते हैं। तो देखिए यह जो है, मान लिया कि कोई कह रहा है किरण, तो अगर कोई किरण कह रहा है तो किरण का मतलब ऐसे समझिएगा, तो इसमें एक जो होता है क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, और यह तो आगे में भाग रहा है ना, तो इसका मतलब है कि किरण में कैठो एंड पॉइंट होता है, तो एक एंड पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा। आप कोई कह दिया आपको क्या रेखा, रेखा का मतलब लाइन, लाइन आपको कह दिया, और किरण का मतलब है कि रे कह दिया, तो रेखा का मतलब समझिएगा ऐसे। अब कोई कहेगा कि रेखा में, रेखा अगर खींचना है तो रेखा में दोनों तरफ तीर दीजिएगा, रेखा क्या होता है, तो इसमें जो है एंड पॉइंट नहीं होता है, नो एंड पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट, यानी कि इसमें एंड पॉइंट नहीं होता। देखिए इधर में भाग रहा है, इधर भाग रहा, अब इसके बाद आ गया रेखाखंड, रेखाखंड आ गया, तो रेखाखंड का मतलब क्या हो गया, देखिए यह हो गया रेखाखंड, माने रेखा का काटा हुआ है, तो देखिए इसमें दो एंड पॉइंट होता है, तो रेखा खंड में दो एंड पॉइंट होता है, किरण में एक एंड पॉइंट होता है, और इसके बाद जो है रेखा में एंड पॉइंट होता ही नहीं। तो देखिए और इसको हम समझा रहे हैं, इसको जो है से कुछ पॉइंट्स को आप जो है से नोट कीजिए, समझिए, देखिए पॉइंट्स कुछ बता रहे हैं, पॉइंट्स, तो देखिए पॉइंट्स में पहला हम कह रहे हैं कि मान लिया कि यह एक रेखा है, आ देखिए यह एक रेखा है, आ दो रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यह रेखा आपका L1 है, आ यह रेखा जो है से L2 है, जो P बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पर काट रहे, एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कहने का मतलब P आपका जो है से इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, छेदन बिंदु है, या प्रतिच्छेद बिंदु है, या कटान बिंदु है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, माने अपोजिट वर्टिकली एंगल, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल सार क्या, इक्वल, माने जैसे ही मान लिया कि कौन, मान लिया कि एक है, आई क्या है दो है, आई तीन है, आई इस कौन को मान लिया कि चार कह रहे हैं, तो क्या है कि इसमें ध्यान रखिएगा कि कौन एक बराबर कौन दो होगा, आ कौन तीन बराबर क्या आएगा, कौन चार आएगा। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कौन बराबर होते हैं, माने अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है, कोण एक बराबर कोण दो, कोण तीन बराबर कोण चार।
इसके बाद देखिए कि दूसरा पॉइंट जो है हम लिख रहे हैं, जिसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं क्या कि देखिए दो क्या है, दो समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा उसको कहा जाता है जिसको ये दो रेखाएं जो है से परस्पर समानांतर कहलाती है। तो परस्पर समानांतर कहलाती है तो इसका मतलब हो गया कि यह जो है से एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है। इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहता है, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या स्थिर रहता है, अच्छा रहता है। तो यह जो है समानांतर रेखा हो गया, ये दोनों समानांतर रेखाओं को एक छेदी रेखा काट रही है। देखिए यह रेखा L1 है या ये रेखा L2 है, आ यह जो है से L3 रेखा एक त्रिक छेदी रेखा है जो इसको काट रही है। तो यदि दो समानांतर रेखाओं को कोई त्रिक छेदी रेखा काटे तो एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल किसको कहा जाता है आप समझिए कि दो रेखाएं क्या है L1 एंड L2 क्या है, रेखाएं समानांतर है। तो समानांतर कैसे लिखा जाता है, L1 इज पैरेलल टू L2, माने L1 समानांतर L2 है। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये कोण एक अगर इसको कहा जाए तो इसका एकांतर कोण ही हो गया। तो ये आई दोनों क्या हो जाएगा, ये बराबर दोनों होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। और एक ही रेखा है, एक ही रेखा है, तो अगर इसको तीन कोण कहा जाए तो दो और तीन भी बराबर होगा। तो एक बराबर दो होता है, क्या है कोण एक बराबर कोण दो। तो कोण एक बराबर कोण दो किस नियम से, तो एकांतर कोण ही है, या क्या है एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब आप समझिएगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल जो है से बराबर होता है। आ इसके बाद कोण दो बराबर कोण तीन हो जाएगा इस नियम से, चूंकि एक ही रेखा है, एक ही रेखा है, एक दूसरे को काट रहा है इस बिंदु पर, तो दो और तीन क्या हो गया, यह जो है से शीर्षाभिमुख कोण हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया, सेम हो जाएगा। तो दो बराबर तीन, तो दो बराबर तीन है, इसका मतलब कि कोण एक बराबर कोण तीन भी हो जाएगा। कोण एक बराबर कोण क्या आ जाएगा, तीन भी आ जाएगा। तो कोण एक बराबर कोण तीन, तो इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है संगत कोण, संगत कोण। संगत कोण का मतलब हो गया क्या, करस्पॉन्डेंस एंगल, करस्पॉन्डेंस एंगल, करस्पॉन्डेंस एंगल जो है से क्या होता है, तो बराबर होता है। तो देखिए एक और तीन जो है से क्या है, करस्पॉन्डेंस एंगल है जो बराबर होता है। आ एक और दो क्या है, एकांतर कोण है जो बराबर होता है। तो इस तरह से जो है से इस पॉइंट को जो है से याद रखिएगा। देखिए आगे जो है से बता रहे हैं, प्रत्येक चीज को आप ध्यान रखिएगा, आगे हम बता रहे हैं इसको भी आपको जो है से ध्यान रखना है। देखिए त्रिभुज के बारे में जो है से आप जान रहे होंगे। देखिए यह एक त्रिभुज है, ये कोण एक है, कोण दो है या कोण तीन है। तो आपको याद होगा कि कोण एक जोड़ कोण दो और जोड़ कोण तीन बराबर क्या 180 डिग्री होता है। ऐसे कोण एक जोड़ कोण दो जोड़ कोण तीन बराबर क्या 180 डिग्री होता है, माने अंतः कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहां पर नहीं होगा, तो मान लिया कोई अगर चतुर्भुज कह दिया, क्वाड्रिलेटरल कह दिया, तो क्वाड्रिलेटरल अगर कह दिया, इसके बाद मान लिया पेंटागन कर कोई कह दिया, हेक्सागन कह दिया, पंचभुज षष्ठभुज अष्टभुज ऑक्टागन कोई कह दिया, तो उसके कुल अंतः कोणों का जोड़ क्या होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला दे दे रहे हैं जिसको यहां पर आप याद रखिएगा, अंतः कोण का जोड़, अंतः कोण, अंतः कोण का जोड़, अंतः कोण का जोड़, अंतः कोण का मतलब आप समझिएगा इंटीरियर एंगल। देखिए इंटीरियर, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स,
माने अंतःकोण का जोड़ क्या होता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दे रहे हैं जिसको याद रखिएगा, 2 समकोण, 2n-4 समकोण होता है। 2n-4 समकोण का मतलब ऐसे समझिएगा कि 2n-4 इंटू 90, 2n-4 इंटू 90। तो मान लिया कि अगर त्रिभुज के लिए लीजिएगा तो त्रिभुज के लिए लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं जिसको आप समझिएगा, त्रिभुज के लिए तो त्रिभुज के लिए अगर लीजिएगा तो एन का मतलब क्या, भुजा की संख्या, तो एन कैगो साइड है, 3 गो, तो एन का मतलब कि भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कैठो है 3, तो 3 लिख दिए, भुजाओं की संख्या आपका 3 हो गया। तो यहां पर अगर बनाइएगा इसको तो कुल कोण क्या आ जाएगा, कुल अंतः कोण, तो कुल अंतः कोण निकालिएगा तो 2 × 3, 2n-4, 2 × 3 − 4, समकोण का मतलब 90। तो यह आपको जो है से क्या आ जाएगा, 90 डिग्री है, तो 3 × 2 = 6 घटाओ 4, तो 2 × 90 बराबर बताइए 180 डिग्री हो जाएगा। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए अब मान लिया कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज का मामला मान लिया कि आ गया, चतुर्भुज का मतलब क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री लेटरल, तो चतुर्भुज का मतलब हो गया कि n बराबर 4 हो गया, तो n बराबर 4 हो गया तो कुल अंतः कोणों का जोड़ अगर कोई कहेगा तो जोग कितना आ जाएगा, तो 2 × 4 − 4 इंटू 90, तो 8 − 4 तो 4 आ जाएगा, तो 4 × 90 तो 9 × 4 = 36, 360 डिग्री हो जाएगा। तो कोई कहेगा कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ क्या होता है, तो 360 डिग्री होता है। मान लिया कि कोई पंचभुज कह रहा है, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ क्या होता है, पंचभुज का मतलब आपको घबराना नहीं है, पेंटागन है, पेंटागन है। तो पंचभुज ऐसे ही कोई कह रहा है तो इसका मतलब कि एन बराबर 5 आपका है। देखिए पंचभुज हम बना रहे हैं, ये पंचभुज है, देखिए ये पंचभुज है, तो दिस एंगल जोड़ दिस एंगल जोड़ दिस एंगल जोड़ दिस एंगल जोड़ दिस एंगल, तो ये 5 गो एंगल है, तो सभी को अगर जोड़ेंगे तो जोग बराबर क्या निकल जाएगा, आप आराम से बता दीजिएगा कि जोग का मतलब सम, जोग का मतलब क्या, सम, तो सम क्या आ जाएगा, तो 2n 2 × 5 − 4 इंटू 90, यानी 10 × 4 तो 6 × 90, तो 9 × 6 = 54 क्या आ गया, 540 डिग्री आ गया। तो कोई कहेगा कि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ क्या होता है, तो आप कहिएगा कि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ क्या होता है, तो 540 डिग्री होता है। षष्ठभुज अष्टभुज कुछ भी कहे तो आप जो है से बता सकते हैं कि सभी अंतः कोणों का जोड़ जो है से क्या होगा। इस तरह से आपको आ गया 540 डिग्री आ गया पंचभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़। अब इसके बाद जो है से विकर्ण इसमें निकालने के लिए आपको बता देते हैं कि विकर्ण जो है से कैसे आप निकालिएगा। तो देखिए इसमें जो है से इतना मिटा देते हैं, इसके बाद इसी के अंतर्गत जो है से विकर्ण बताते हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल का मतलब हो गया बाह्यतः कोण है। तो किसी भी बहुभुज के लिए सभी बाह्यतः कोणों का जोड़ क्या होता है, 360 डिग्री होता है। जैसे देखिए आपको समझना मेन है, जैसे मान लिया ये त्रिभुज है, तो देखिए इस भुजा को बढ़ा दीजिए, इस भुजा को बढ़ा दीजिए, आ इस भुजा को बढ़ा दीजिए,
तो देखिए यह कोण जो है से बाह्य कोण हो गया। तो मान लिया कि इस कोण को एक कह रहे हैं, यह जो है से बाह्य कोण हो गया तो इसको दो कह रहे हैं, यह जो है से बाह्य कोण हो गया इसको तीन कह रहे हैं। तो मान लिया कि तीनों को जो है कि जो एक दो तीन जो कोण है तो एक यहाँ पर बिंदु मान लिया जाए और ऐसे एक रेखा खींच दीजिए सीधा, तो ऐसे रेखा खींच दीजिएगा तो कोण एक के बराबर जो है से यहाँ एक कोण बना दीजिए। तो यहाँ मान लिया कि ऐसे कोण बना दिए थे कोण एक, कोण दो के बराबर जो है से यहाँ से नाप के और चांद के सहायता से प्रोटेक्टर के सहायता से कोण बना दीजिए। तो मान लिया कि यह जो है से बन गया आपका ऐसे बन गया ऐसे, तो यह जो है से दो है, यह जो एंगल आपका तीन हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि सभी बाह्यतः कोण को अगर जोड़िएगा यानी कोण एक जोड़ कोण दो और जोड़ कोण तीन अगर कीजिएगा तो जानते हैं क्या डिग्री आएगा, 360 डिग्री के अंदर इसी मर जाएगा, माने पूरा 360 डिग्री का एंगल। आप ध्यान रखिए कोई भी बहुभुज हो सकता है, ये तो त्रिभुज का हम मामला लिए, हम चतुर्भुज भी अभी लेने जा रहे हैं, चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज सप्तभुज अष्टभुज नवभुज कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सभी बाह्य कोण का जोड़ जो आएगा वह है आपका 360 डिग्री आएगा। जैसे अभी अभी जो है से मान लिया कि हम आपको चतुर्भुज के एक चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए यह जो है से चतुर्भुज है, ऐसे मान लिया कोई चतुर्भुज है, तो चलिए इसको इसको बढ़ाइए, तो इस कोण को मान लिया एक कह दीजिए, इसको बढ़ाइए तो इस कोण को दो कह दीजिए, इसको बढ़ाइए तो इस कोण को तीन कह दीजिए, आ इसको बढ़ाइए तो इस कोण को चार कह दीजिए। तो अगर इसको सेट कीजिएगा एगो बिंदु पर, अगर से एगो रेखा ऐसे खींच दीजिए बिंदु पर, आप कोण एक बनाइए कोण एक के बराबर प्रोटेक्टर से बनाइए तो मान लिया ई बना, कोण दो बनाइए तो ई बन गया, कोण दो के बराबर यहाँ कोण बनाइए बोला, कोण तीन बनाइए आप कोण चार बन, कोण तीन मान लिया बन गया ऐसे बन गया, अब तो ये कोण चार हो जाएगा। इस सब के जोड़िएगा तो जानते हैं क्या डिग्री होगा, कोण एक जोड़ कोण दो जोड़ कोण तीन आ जोड़ कोण चार बराबर 360 डिग्री आएगा। ऐसा ना समझिएगा कि यह चार को हो गया तो ज्यादा आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको 360 डिग्री आएगा। पांच को अगर बनाइएगा तो पांच को बनाइएगा तभी 360 डिग्री हो जाएगा। तो अब आज से जो है से इस पॉइंट को याद रखना है कि किसी भी बहुभुज के लिए सभी बाह्य कोण का जोड़ माने एक्सटीरियर एंगल का जोड़ द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल फॉर एनी पॉलीगन इज क्या 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का होता है। जबकि आपका जो है से इंटीरियर एंगल माने अंतः कोणों का जोड़ सबके लिए अलग अलग बताए थे, त्रिभुज के लिए 360 डिग्री आया था, चतुर्भुज के लिए 180 डिग्री आया था, चतुर्भुज के लिए 360 डिग्री आया था, तो इस तरह से जो है से पंचभुज के लिए 540 डिग्री आया था, तो अलग अलग के लिए अलग अलग आया था। तो इस तरह से जो है से ये भी आप समझ गए, इस थ्योरी को आप समझ गए, तो इस थ्योरी को समझ गए तो इसके बाद जो है से इसी में हम ले रहे हैं आपको, इसी में एक स्थिति ले रहे हैं, सम लगा दे रहे हैं, सम त्रिभुज, सम का मतलब हो गया बराबर, तो सम त्रिभुज का मतलब बराबर त्रिभुज आप समझिएगा, बराबर त्रिभुज का मतलब समझ है, बराबर त्रिभुज का मतलब कि समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, समबाहु त्रिभुज का मतलब है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मान लिया कि हो गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हो गया माने भुजा के संख्या अगर सेम हो गया तो इसका मतलब कि दिस इंप्लाइज समान कोण होगा, समान कोण यानी कोण की संख्या जो है कोण का समान कोण का मतलब है कि कोण जो होगा सबका मेजरमेंट सेम आएगा।
कोण का कोण जो है कोण का मान जो है से सेम आएगा, तो कोण का मान सेम आएगा। तो जैसे देखिए, मान लिया कि यह त्रिभुज है, तो इस कोण का मान x है, इस कोण का मान x है, इस कोण का मान x अगर है, तो ये तीनों भुजा तीनों साइड भी जो है से बराबर होगा। तो हम बताए थे कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ क्या होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब कि x प्लस x प्लस x बराबर क्या 360 डिग्री, यानी 3x बराबर बताइए 360 डिग्री। तो 3x बराबर 60 डिग्री, तो इसका मतलब क्या x बराबर कै डिग्री आ गया, तो x बराबर आपका आ गया x जोड़ x आ गया, तो ए जोड़ बी जोड़ 360 डिग्री नहीं 180 डिग्री ना, गलती लिखा गया। तो आपको क्या आ गया, 36 18 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है, और सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इस तरह से जो है से ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लिया कि समबहुभुज रहे, तो समबहुभुज के लिए देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं, समबहुभुज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हम लिखने जा रहे हैं। समबहुभुज के लिए अगर मान लिया कि समबहुभुज है, तो इसका मतलब कि भुजाओं की संख्या क्या है, समबहुभुज का मतलब है कि भुजाओं की संख्या सेम है, और जब भुजाओं की संख्या सेम है तो कोण भी क्या आएगा सेम आएगा, तो कोण भी सेम आएगा। तो समबहुभुज के लिए प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण अभी याद रखना है आपको, प्रत्येक अंतः कोण, तो प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या आ जाएगा, तो 2n-4 इंटू 90 बाई एन, प्रत्येक अंतः कोण का मान कै डिग्री आ जाएगा, तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री बाई एन, यह समबहुभुज के लिए हो गया। तो मान लिया कि अगर समबाहु त्रिभुज का मामला अगर ले ले, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में देखिए क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए देखिए यहां पर जो है से हम बता रहे हैं कि क्या होगा। तो देखिए यहां तो 60 डिग्री आया था, तो देखिए इस नियम से भी 60 डिग्री आएगा, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या प्रत्येक, प्रत्येक अंतः कोण बराबर कोण, तो सम अगर लग गया, तो सम अगर लग गया तो आप समझ जाइएगा कि भुजा के संख्या सम है, बाहु माने भुजा बाह और सम माने बराबर, तो भुजा के संख्या अगर सेम है तो इसका मतलब कि प्रत्येक अंतः कोण भी समान होगा, और प्रत्येक बाह्य कोण भी क्या आएगा समान आएगा। तो देखिए सबके लिए हम बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक अंतः कोण, तो प्रत्येक अंतः कोण निकाल रहे हैं समबाहु त्रिभुज के लिए, ऐसे तो इस नियम से हम निकाल दिए थे, तो 60 डिग्री आपका आ गया था, इस नियम से भी निकाल के दिखाते रहे। तो 2 × n का मान क्या दीजिएगा, तो 3 और -4 देखिए ये वाला 4 है इंटू 90 बाई एन ना है, तो एन का मतलब क्या भुजा की संख्या, तो ये आपको आ गया क्या 3 × 6 घटाओ 4, तो 2 × 90 या बाई 3, तो 3 से काट दीजिए 3 × 9, तो 3 × 6 देखिए 60 डिग्री आ गया। तो समबाहु त्रिभुज के लिए जो है से प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या डिग्री होगा, तो 60 डिग्री। अब आइए मान लिया कि क्वेश्चन आपको कर दिया कि समपंचभुज, समपंचभुज, तो समपंचभुज अगर है तो इसका मतलब कि n = 5 आ गया, अगर सम लग गया
तो सम लग गया, तो इसका मतलब है कि पांचों भुजा की संख्या बराबर है, तो इसका मतलब कि पांचों अंतःकोण भी बराबर होगा। तो पांचों अगर अंतःकोण बराबर होगा तो देखिए हम जो है से निकाल लेते हैं, सम पंचभुज को जो है से जानते हैं क्या लिखा जाएगा, आप जो है आपको ऐसे लिखेगा रेगुलर पेंटागोन, ऐसे लिखेगा रेगुलर लिख देगा, रेगुलर पेंटागोन सम पंचभुज हो गया। अगर सम अष्टभुज कहेगा तो लिख देगा रेगुलर ऑक्टागन। तो प्रत्येक अंतःकोण जो है, देखिए प्रत्येक अंतःकोण हम बता रहे हैं कि प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या है, तो बताइए 2n-4 इंटू 90/n ना, तो 2×5 -4 इंटू 90 5/n है, तो बताइए क्या आ जाएगा, 5×10 घटाओ 4 तो यह आ जाएगा 6×90 5 तो 18×5 90, 18 बार कट गया, 18×6 का टोटल से तो 108 डिग्री आ गया। प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या डिग्री आ गया आपका, तो 108 डिग्री आ गया। तो इस तरह से जो है से सम षष्ठभुज, सम अष्टभुज, सम दशभुज कोई भी कहेगा, अगर प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे कि 2n-4 इंटू 90/n कर देंगे तो आपका दे देगा। अगर यह फार्मूला नहीं याद है तब आप ऐसे कीजिएगा कि सभी अंतःकोणों का जोड़ निकाल लीजिएगा और उसमें n से भाग दे दीजिएगा, यानी भुजाओं की संख्या से भाग दे दीजिएगा, तो आपका वह प्रत्येक अंतःकोण का मान आपको दे देगा। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान जो है से आप सीख लिए, तो उसी तरह से जो है से प्रत्येक बाहरी बाह्य कोण का मान भी आप बता सकते हैं, जिसे सम बहुभुज के लिए प्रत्येक अंतःकोण हम इतना बताए। तो बस यही चीज जो है से हम आपको अब बता रहे हैं कि सम बहुभुज अगर रहेगा तो प्रत्येक अंतःकोण के जगह पर अगर बाह्य कोण हम लिखेंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, ध्यान रखिए। तो इसको अब सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा और इसके बाद जो है से देखिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण का अंतः को देखिए मिटा रहे हैं, तो अंतः को मिटा करके देखिए बाह्य लिख रहे हैं, तो प्रत्येक बाह्य कोण भी बराबर ही आएगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा, तो यह सीधा सीधी आप बता दीजिएगा, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर आ जाएगा 360/n कर दीजिएगा। तो मान लिया समबाहु त्रिभुज के लिए लीजिएगा, तो देखिए यहां मिटा रहे हैं, इसके पहले आप नोट कर लीजिएगा उसको चमन, तो यहां पर बाह्य कोण अब देखिए बना रहे हैं, तो बाह्य कोण अगर बनाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण का माना जाएगा क्या, तो 360/n, तो 360/n है, तो n का मतलब क्या त्रिभुज है, तो 3, तो देखिए प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। अब सम पंचभुज है, तो सम पंचभुज के लिए अगर प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताना है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान मान लिया बताना है, तो इतना जो है से बनाने की जरूरत नहीं है, यह तो आपका प्रत्येक अंतःकोण का मान बताए थे ना, तो यहाँ 360/5 से कटा गया, तो 5 से भाग 5 से इसको ही कर देंगे, तो 5×7=35 और 5×2=10 72 डिग्री हो जाएगा प्रत्येक बाह्य। तो इस तरह से प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालने के लिए जो है से आप भली भांति क्या हो गए, समझ गए। अब इसके बाद जो है से देखिए प्रत्येक चीज पर जो है से बने हुए रहे, ये वीडियो आ रहा है आपको विकर्ण के बारे में, विकर्ण को क्या कहा जाता है, डायगोनल्स के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो डायगोनल्स है, तो डायगोनल्स डी बराबर देखिए हम बता रहे हैं क्या, एन इंटू एन माइनस 3/2, जहां एन का मतलब है भुजाओं की संख्या,
तो जैसा मान लिया कि त्रिभुज ले लिया, तो त्रिभुज का मतलब है कि n बराबर क्या है, 3 है। तो इसका विकर्ण जो है से निकालिए, विकर्ण का मतलब डायगोनल बराबर। तो देखिए त्रिभुज में कोई विकर्ण है नहीं है, तो ऐसे ही पहचान आ रहा है। चलिए इस फॉर्मूला को बनाइए, 3 × 3 − 3/2। तो देखिए 3 − 3 0 आ गया, तो 3 × 0/2 यानी 0, यानी विकर्ण की संख्या आपको 0 होगा। चलिए चतुर्भुज आइए, तो यह चतुर्भुज है, तो देखिए एक ही विकर्ण हुआ और एक ही विकर्ण हुआ। तो चतुर्भुज था तो आप जो है से अपने से आप स्वयं जो है से गिन लिए कि इसमें विकर्ण 2 होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है से n का मान 4 आ गया, तो चलिए विकर्ण निकालते हैं कि विकर्ण कैट होगा। तो चतुर्भुज था तो पहले आराम का मामला था। तो चलिए 4 × 4 − 3 फॉर्मूला पर लेके आ गए, बाई 2 × 2 = 4 आई एक आ गया ना, तो देखिए 2 विकर्ण हो गया। 2 ऐसे गिन भी हम लिए थे, लेकिन अगर और आप आगे बढ़िएगा तो आपके लिए दिक्कत होगा। जैसे मान लिया कि चतुर्भुज अष्टभुज इस तरह से बढ़ रहे हैं, जैसे मान लिया कि हम कह रहे हैं कि अष्टभुज ऑक्टागन, तो ऑक्टागन में कैट हो विकर्ण होगा, तो खींचिएगा तो थोड़ा आपको तो दिक्कत होबे करेगा। और आगे में बढ़ेंगे हम, 9 भुज 10 भुज करने लगेंगे तो विकर्ण के गिनने में आपको दिक्कत हो जाएगा, हो सकता है कुछ छूट भी जाए। तो अष्टभुज का अष्टभुज जैसे ही कहेगा तो इसका मतलब कि n का मान तो 8 हो गया। तो n का मान जब 8 हो गया तो विकर्ण जो है से इसमें निकाल के देखते हैं कि विकर्ण कैट होता है। तो विकर्ण देखिए n × n − 3/2 ना, तो 8 × 8 − 3/2। तो 2 से काटिएगा, 2 × 4 = 8 आई घटा दीजिएगा तो क्या जाएगा, 5 ना, तो 5 × 4 = 20 विकर्ण होगा। तो 20 विकर्ण गिनने में तो आपको दिक्कत होबे करेगा, तो 20 विकर्ण से। तो अब आज से जो है से इसके द्वारा हम यह बताना चाहते हैं कि किसी बहुभुज के विकर्ण की संख्या जो है से हम कैसे निकालेंगे। तो विकर्ण बहुभुज के लिए विकर्ण का मान क्या होता है, तो विकर्ण n × n − 3/2। तो ध्यान रखिएगा कि विकर्ण की संख्या जो है से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आइए, अब जो है से अगला पॉइंट जो बता रहे हैं, प्रत्येक पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। पूरा पूरक या अनुपूरक, पूरक कहीं लिख देगा, कहीं अनुपूरक लिख देगा, या कहीं पर जो है से दूसरे लिख देगा कोटि पूरक। लेकिन अंग्रेजी मीडियम के अगर छात्र हैं तो सबका अंग्रेजी एक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहा जाता है, इसको समझिए। कुछ नहीं है, वे दो कोण जिसका जोड़ 90 डिग्री हो, वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक या अनुपूरक या कोटि पूरक कहलाते हैं। अल्फा बीटा पूरक कहलाते हैं, पूरक होंगे, माने अल्फा बीटा कोण पूरक होंगे। यदि कब होगा पूरक, यदि अल्फा जोड़ बीटा बराबर 90 डिग्री, अगर अल्फा जोड़ बीटा बराबर 90 डिग्री आ जाए तो अल्फा बीटा एक दूसरे के पूरक होगा। मान लिया कि आपको कोई कह दिया कि 60 डिग्री का पूरक बताइए, 60 डिग्री का पूरक, 60 डिग्री का पूरक को कौन बताइए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आप कहिएगा कि 30 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब है कि ऐसे कहिएगा, कैसे कहिएगा कि 90 में से 60 घटा दीजिएगा, 90 − 60 बराबर क्या, 30 डिग्री। तो इस तरह से जो है सब पूरक आप समझ गए। अब पूरक समझ गए तो अब आइए सम पूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल
तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल में जो है से देखिए अल्फा बीटा आपका क्या आएगा, अल्फा बीटा संपूरक होंगे। यदि कब संपूरक होगा, यदि अल्फा जोड़ बीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, यानी अल्फा बीटा का मान अगर 180 डिग्री हो जाए दोनों को जोड़ देने के बाद, तो अल्फा बीटा एक दूसरे के क्या जाएगा, एक दूसरे का संपूरक आ जाएगा। जैसे मान लिया कि आपसे कोई कह दिया कि 60 डिग्री का संपूरक कह दिया, पूछ दिया कि 60 डिग्री का संपूरक बताइए, तो इसको 180 घटाओ 60 कर दीजिए, तो 180 घटाओ 60 का मतलब क्या, 120 डिग्री। तो इस तरह से जो है से यह पूरक का संपूरक के बारे में आपका हो गया। अब इसके बाद जो है से आगे हम आते हैं, देखिए यहां पर जो है से पॉइंट निकालते हैं। कोई त्रिभुज है, देखिए यह एक त्रिभुज है, आइस यह भुजा आपका ए है, आई बी है, आई सी है। तो आप ध्यान रखिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ी होती है। माने आपको जो है से याद रखना है क्या कि ए जोड़ बी, अगर ए या बी जोड़िएगा तो इसका जोड़ जो है से ग्रेटर देन सी हो जाएगा, सी से बड़ा आएगा। फिर इसके बाद जो है से और बात आएगा, अगर बी और सी जोड़िएगा, बी या सी को जोड़ दिए तो इसका मान जो आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा वह ए से बड़ा होगा। अगर मान लिया कि सी और ए जोड़ दिए तो इसका मान जो है से क्या, बी से बड़ा होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का जोड़ जो है से तीसरी भुजा से बड़ी होती है। जैसे मान लिया कि त्रिभुज का कोई भुजा दे दिया कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं, जैसे मान लिया कि कह दिया एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल एक हम दे रहे हैं कि कोई कह दिया कि 4 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद आपको क्या दे दिया कि 3 सेंटीमीटर, आप फिर दे दिया 1 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर भुजा अगर 3 ठो है तो क्या इससे त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी जानकारी प्राप्त करना। तो आपको इसी तरह से चेक कर लेना है। तो देखिए 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 ग्रेटर देन क्या, 1, माने इससे बड़ा है, यही तो बात ठीक है। फिर यही जोड़ के देखेंगे 3 प्लस 1, मान लिया कि आई जोड़ के देख लिए 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 तो 5 ना हो जाएगा, तो ग्रेटर देन क्या, 3, ये भी सही बात है। तो फिर यही जोड़ के देखेंगे ना 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 नॉट ग्रेटर देन क्या, 4, माने 4 से ही बड़ा नहीं है। तो यह जो है से बड़ा नहीं ना है, तो क्या त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इस तरह से जो है से त्रिभुज कब बनेगा, इस पर क्वेश्चन जो है से किया जाता है। अब भुजा दिए हुए रहेगा तो आपको जो है से चेक करना है ही नहीं कि दो को सही निकाल दिए, चाहे एक एक को आप सही निकाल दिए तो आपको लगा कि ना त्रिभुज तो बन ही जाएगा कि दो भुजा का जोड़ किस तरह से बड़ा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको जो है से तीन केस में, तीन स्टेप में चेक करना पड़ेगा। देखिए एक ही है, तो दो तो सही निकल गया था लेकिन तीसरा आपको सही नहीं निकला। किसी त्रिभुज की दो भुजा का जोड़ तीसरा से बड़ा होता है लेकिन नहीं निकल रहा, इसलिए यह त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है से पूछा जाता है। तो यह जो है से आपका हो गया। तो प्रत्येक कंसेप्ट को आप जो है से बनाए हुए रहिएगा। अब इसके बाद जो है इसे देखिए, इसके बाद हम जो है इसे बना रहे हैं उसको आपको देखना है।
असम्पशन ले रहे हैं कि किसी बहुभुज में विकर्ण की संख्या 20 है तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या है। तो चलिए निकालते हैं। तो विकर्ण बराबर आपको डायगोनल बराबर डी बराबर क्या याद है, एन इंटू एन माइनस 3/2। तो डी का मान लीजिए विकर्ण की संख्या 20 देले है, तो 20 बराबर तो एन इंटू एन माइनस 3/2। तो एन इंटू एन माइनस 3 बराबर क्या आ गया, 20 दिनी 40 आ गया। तो कह रहा है कि इसमें भुजा की संख्या जो है से कितना है। तो देखिए यह एन है आ एकरा से ही 3 कम है, एन माइनस 3। तो देखिए ऐसे तो इसको गुना हम कर सकते थे, तो एन स्क्वायर माइनस 3 एन आता और बराबर 40। तो यह द्विघात समीकरण आ जाता, द्विघात समीकरण से फिर एन का मान निकालते तो भुजा की संख्या निकल जाता। लेकिन द्विघात समीकरण में जो है से आपको और जो है से देर हो जाएगा, तो उसे आसान सिखाते हैं। तो देखिए 40 का फैक्टर तोड़ दीजिए, तो 40 का फैक्टर तोड़िए तो 2 से आइए तो 20, फिर 2 से आइए 10, फिर 2 से आइए 5, ऐसे आइए। तो देखिए ये क्या है कि इधर का आप कंसेप्ट इधर से बनाइए कि एन इंटू एन माइनस 3 है, माने एगो एन है तो एक दूसरा फैक्टर जो है से एकरा से 3 कम है। तो इधर भी जो है से इसी तरह से इसको सजा दीजिए, पहले जो है से कोई फैक्टर कोई आएगा अंक और ओकरा बाद वाला जो फैक्टर आएगा ओकरा से 3 कम सजाइए। तो देखिए तो ये 40 है, तो 40 को मान लिया कि एकरा एक साथ 2 दूनी 4 दूनी 8, तो पहले हम 8 लिखते हैं आप फिर ही लिख देते हैं 5। तो एन इंटू एन माइनस 3 बराबर क्या आ गया 8 बचे, एन इंटू एन माइनस 3 बराबर 40 था ना, तो एन इंटू एन माइनस 3 बराबर लिख दिया 8 गुने 5। तो पहले एन था और दूसरा जो था एन से 3 कम था, एन माइनस 3 है। तो देखिए पहले 8 है और ओकरा से जो है से 3 कम ही है, 5 है। तो बिल्कुल जो है इस पर इसी आधार पर ही जो है से क्या है एकदम इसी आधार पर इसी पैटर्न पर ही सजा हुआ। तो इसका मतलब कि एन के जगह पर क्या काम करेगा, तो एन बराबर क्या 8 काम करेगा, चाहे एन माइनस 3 के जगह पर क्या काम करेगा 5 काम करेगा। तो एन बराबर क्या आ गया 8 आ गया, यानी अष्टभुज भुजाओं की संख्या क्या आएगा 8 आएगा, अष्टभुज आएगा। यहाँ पर जो है से गुना करके कोई लड़का ऐसे करके निकालने लगता है एन स्क्वायर माइनस 3 एन बराबर 40, तो फिर करेगा एन स्क्वायर माइनस 3 एन, अब इधर ले आएगा 40 के माइनस 40 बराबर 0, ऐसे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आधार पर एन का मान निकालेगा। बनाने के लिए वह भी 8 ही आंसर लाएगा, लेकिन उसको काफी देर हो जाएगा, इसलिए ऐसे बना लीजिएगा तो ठीक रहेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि कितने अंश का कोण, कितने अंश, अंश माने डिग्री, कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दुगना होता है, अपने संपूरक का दुगना होता है, दुगना होता है। मान लिया इस तरह का क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन है तो संपूरक की अगर आप परिभाषा जानते हैं तो जो चॉइस दिए हुए है तो उस पर तो बड़ी आसानी से सेट हो जाएगा। लेकिन मान लिया कि ऐसे बनाना है तो मान लिया कि थीटा अंश का कोण, थीटा का संपूरक क्या आ जाएगा बताइए, थीटा का संपूरक, तो थीटा का संपूरक आ जाएगा आपको 180 माइनस थीटा। हम आपको बताए थे कि अल्फा का संपूरक बराबर 180 माइनस अल्फा आया था, अल्फा का पूरक क्या आया था 90 माइनस अल्फा। तो थीटा का संपूरक जो है से आपको आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो कह रहा है कि कितने अंश का कोण अपने संपूरक या कि थीटा अंश का कोण जो है से अपना संपूरक यानी 180 माइनस थीटा का क्या है दुगना,
थीटा अंश का कोण जो है से अपना संपूरक का दुगना, माने थीटा का जो संपूरक है उसमें दो से गुना कर दिए थे, थीटा के बराबर आ गया। तो अब इसको जो है ऐसे क्या कीजिएगा, थीटा बराबर क्या लिख दीजिएगा, दिस इंप्लाई तो 360 माइनस टू थीटा। अब इसको ई पार्टी ले आइएगा, तो ऊ पार्टी ले आइएगा तो आपको क्या आ जाएगा, ये माइनस टू थीटा है तो इसको इधर ले आइएगा तो 3 थीटा हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर 360 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का कोण अपने संपूरक का दुगना होगा। 120 का संपूरक क्या होगा बताइए, 120 का संपूरक होगा कितना, तो संपूरक के लिए क्या करना पड़ता है कि 180 में से घटा के देखना पड़ता है, तो 120 का संपूरक 60 डिग्री होगा, क्योंकि 180 घटा 120 बराबर 60। तो क्या 120 जो है 60 डिग्री का दुगना नहीं है, तो कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दुगना होगा, 120 डिग्री। मान लिया कि एक और क्वेश्चन लाते हैं कि कितने अंश का कोण अपने पूरक का 5 गुना हो, अपने पूरक का 5 गुना होगा। तो चलिए इसी तरह से आइए पूरक के परिभाषा पर आ जाइएगा, तो थीटा का पूरक बताइए, तो थीटा का पूरक क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। थीटा का पूरक आपका 90 माइनस थीटा, पूरक उसको कहा जाता है कि वे दो कोण जिसका जो 90 डिग्री है। तो मान लिया कि थीटा अंश का कोण अपना पूरक यानी 90 माइनस थीटा का क्या है, 5 गुना है, 5 से गुना करके बराबर कर दिए, तो ये आपको आ जाएगा 90 × 5 माइनस 5 थीटा, यही थीटा है तो 6 थीटा आ जाएगा, नहीं इधर जाके जुटेगा, माइनस 5 थीटा है तो प्लस 5 थीटा आ जाएगा, इसके साथ जुटेगा तो 6 थीटा बराबर आएगा 90 माइनस 5। तो इस तरह से जो है से अब इसको जो है से इससे काटिए 6 से, तो 15 × 6 = 90, 15 यानी थीटा बराबर क्या 75 डिग्री। 75 डिग्री का कोण जो है से अपने पूरक का 5 गुना हो। चलिए चेक कर लीजिए 75 डिग्री का पूरक क्या आएगा, तो 75 डिग्री का पूरक बराबर 90 - 75 यानी 15 डिग्री। तो क्या 75 डिग्री 15 का 5 गुना नहीं है, क्या 75 डिग्री जो है से 15 डिग्री का 5 गुना नहीं है, तो है तो चेक हो गया। तो कितने अंश का कोण अपने पूरक का 5 गुना होगा, तो मान लिया कि थीटा का पूरक हो गया था 90 - थीटा आ जाएगा, तो थीटा अंश का कोण जो है से अपने पूरक यानी 90 - थीटा का 5 गुना यानी 5 के बराबर है। तो इस तरह से ऐसे निकल गया, ऐसे च्वाइस दिए हुए रहेगा तो ये बनाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी च्वाइस दिया हुआ रहेगा उससे उसका पूरक पूरक क्वेश्चन करेगा ना, तो उसका पूरकवा वहां लिख देंगे घटा करके, यानी 90 में से उतना घटा के पूरक, और देख लेंगे कि यह जो है से अपने पूरक का 5 गुना है या नहीं, तो उस तरह से जो है से वह क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से जो है से भी क्वेश्चन बन गया। अब मान लिया कि अगर ऐसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि कितने अंश का पूरक संपूरक का पूरक का संपूरक एक में लिख दिए, पूरक संपूरक का 3 गुना होगा, 3 गुना होगा। चलिए इसे दे दिए, कह रहा है कि कितने अंश का पूरक संपूरक का क्या होगा, 3 गुना होगा। तो थीटा आइए, तो थीटा का पूरक बताइए, तो थीटा का पूरक बराबर आ जाएगा 90 - थीटा, और थीटा का संपूरक बता दीजिए तो संपूरक आ जाएगा कितना, थीटा का
यहाँ लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए थीटा का एक पूरक लिख दीजिए, तो थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा आ जाएगा, अब कोमा दे दिए, संपूरक आइए, संपूरक आ जाएगा आपको 180 माइनस थीटा। तो कह रहा है कि कितने अंश के पूरक, कितना अंश का पूरक जो है संपूरक का तीन गुना होगा, तो पूरक सही ना है, पूरक का मतलब कि 90 माइनस थीटा, संपूरक का मतलब क्या है 180 माइनस थीटा। तो कह रहा है कि कितने अंश का पूरक संपूरक का तीन गुना होगा, तो संपूरक में तीन से गुना कर दीजिए, ऐसे आ गया। अब इसके बाद आइए, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो 180 अब गुने 3 और माइनस 3 थीटा, ऐसे। तो इसके बाद आ जाएगा, इसको जो है सही पार्टी ले आइए, तो 3 थीटा अब माइनस थीटा अब बराबर क्या आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 18 54 540 अब माइनस 90, मैंने इसको इस पार्टी ले गए, तो 2 थीटा बराबर क्या आ गया बताइए, तो 2 थीटा बराबर आपको आ गया, इसमें से घटा दीजिए तो 0 आज 14 आ गया, तो ये 9 है, 10 11 12 13 14 9 5 14 5, आई आपका बच गया 4, यानी 450 डिग्री आ गया, तो 2 से काट दीजिए, तो 2 से काटिएगा तो 2 2 4 आ 2 2 4 आ 2 5 10, ठीक है, 225 डिग्री आया, यानी 225 डिग्री जो है का अगर पूरक निकालेंगे तो अपने संपूरक का क्या आ जाएगा, 225 डिग्री का अगर मान लिया कि हम पूरक निकालेंगे तो वह अपने संपूरक का 5 गुना होगा। चलिए थोड़ा सा के लिए चेक करते हैं, मान लिया कि आपको लग रहा होगा, तो थोड़ा सा चेक करके देखते हैं कि क्या होता है, तो 225 डिग्री आ गया ना, 2 2 4 ठीक काटा हुआ था, और इसके बाद 2 2 4 और 2 5 10, 225 डिग्री आ गया है, देखने से आज पड़ जैसा लग रहा है, लेकिन तब चेक करते हैं। चलिए तो 225 डिग्री है ना, तो 225 डिग्री का पूरक निकालिए पहले, तो पूरक का मतलब है कि 90 में से घटाइए, तो ये आ गया 90 माइनस 225, तो ये माइनस कितना आ जाएगा, माइनस रह जाएगा, 5 की 5 हो आई 12 हो जाएगा, तो 9 10 11 12 3 3 आइए क्या बच जाएगा, 1 माइनस 135 डिग्री। चलिए इसका संपूरक बताइए, तो संपूरक बताएंगे तो संपूरक 180 घटाव करना पड़ेगा ना 225, चलिए यह में से ही घटा दीजिए और माइनस में लिख दीजिएगा, तो 5 की 5 हो आई हो गया 12 8 4 12 4 आई आपको क्या बच गया, तो एक में से गया 0 यानी 45 डिग्री। तो कह रहा है कि पूरक जो है से संपूरक का, पूरक जो है से संपूरक का 3 गुना है, तो संपूरक एकरा में 3 से गुना करके देखिए, एक बराबर आ जाना चाहिए, तो 5 3 15 5 आदमी और 4 3 12 है, तो देखिए बिल्कुल जो है सही बात है, हमने चेक कर लिया, तो इस तरह से बन गया कि कितने अंश का पूरक जो है संपूरक का 3 गुना होगा। तो मान लिया कि थीटा अंश का पूरक अपने संपूरक का 3 गुना है, तो थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा और थीटा का संपूरक 180 माइनस 180 माइनस क्या है थीटा आ गया। तो इस तरह से जो है
से इसके पूरक बराबर संपूरक गुने तीन कर दिए। इसको ब्रैकेट हटा के इस तरह से लेके आ गए तो 2θ बराबर 450 डिग्री आया, यानी थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर आपका रियल जो आंसर आ गया वह 225 डिग्री आ गया। तो यही आपका जो है आंसर। तो इस तरह से जो है से क्वेश्चन किया जाता है। तो अगर च्वाइस दिया हुआ रहेगा तो च्वाइस दिया हुआ रहेगा तो बनाने की भी जरूरत कम है, क्योंकि पूरा का संपूरक च्वाइसवे से निकाल लेंगे। और इसके बाद जो है से जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना उसी के आधार पर जो है से सेट कर देंगे, तो पूरा का संपूरक जो है से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। में जो है ज्योमेट्री में जो है से हमने इतना चीज को बताया है। ज्योमेट्री देखते हैं कि अधिकांशतः लड़का कमजोर रखता है, इसलिए यहाँ से आप जो है से दुरुस्त कीजिए, कमजोर रखने से काम नहीं चलेगा। तो कम दुरुस्त आपका तभी होगा जब वीडियो में आप शुरू से अंत तक बना रहिएगा। शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा, 2 मिनट जो है से वीडियो देख करके बंद कर दीजिएगा तो क्या ज्योमेट्री आपको समझ में आएगा। जो पहले से आपका कमजोरी था वह कमजोरी बना ही रहते हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहे। और सब्सक्राइब करना मत भूलें, दोस्तों के बीच इसको जो है से अधिक फैलाएं। और इसके बाद जो है सिलेक्शन को मुट्ठी में करें, सिलेक्शन को मुट्ठी में करिए। तो इसी के साथ जो है मैं अपने आज की पढ़ाई को जो है विराम देता हूँ। धन्यवाद।